मोदी जी पलायन कर गए, आप मोदी जी मौलानाओं के साथ टोपी पहनकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे। राम मंदिर बन गया इसलिए राम को भूल के मस्जिद तरफ पहुंच गए ना, पलायन कर गए। मुसलमानों से इतनी दुश्मनी क्यों आपको? नहीं, अब लेकिन खुशी हो रहा है कि मोदी जी जिस तरह से राम का नाम है, राम को लेकर आया हूँ, अब अल्लाह को लेकर आने वाले हैं। अब विदेश से उतरेंगे सिरे आईलैंड में जाएंगे, उनका झोला तैयार है। 24 दूर है, दिल्ली दूर है, अब मोदी जी 24 के लिए झोला तैयार है। 24 के अब जय श्री राम बोलना बंद कर दिए। पसंद नहीं आप लोगों को विकास? कौन सा हुआ विकास? नहीं पसंद आ मोदी जी का तो विकास हो ही रहा है, चाय बेचने से लेके प्रधानमंत्री का सफर ये विकास है ना है। मोदी जी का 200 रुपए कपड़े से 10 लाख का सूट ये विकास है। विकास सिर्फ मोदी जी का, अमित शाह का हुआ है। अमित शाह का बेटा बन जाता है बिना कुछ पढ़े लिखे क्रिकेट बोर्ड का सचिव, ये विकास है। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए बन जाता है, विकास है, परिवारवाद नहीं, ये विकास है। जिस तरह से मस्जिद में रुककर बिरयानी खा रहे हैं मोदी जी, महाराष्ट्र में मॉब ले रहा है, तो यहाँ उत्तराखंड में हो रहा है, पलायन कर रहे हैं मुसलमान, उस पर ध्यान नहीं है। मणिपुर जल रहा है, ये देश जल रहा है और जा रहे हो अच्छे दिन का बात करने। राम जी पूछे लक्ष्मण से, गया लक्ष्मण बताओ इस चुनाव में हमें नहीं पूछा जा रहा है, क्या बात है? बोले भ्राता श्री अब हनुमान से काम चला रहे हैं मोदी जी। तो बोले हनुमान से काम तो लंका लगा देंगे, और लंका लगा दिए। कर्नाटका में लंका लग गया, हिमाचल में लंका लग गया, मध्य प्रदेश में बारी है, छत्तीसगढ़ हमारी है। कि राम का जिस तरह से उसमें अपमान हुआ है पिक्चर में, राम कोई राम के चरित्र का अपमान, हनुमान के चरित्र कैसे सनातन चुप है। बालेश्वर बाबा एक कहता हिंदू राष्ट्र का कल्पना, वीरेंद्र ब्रह्मचारी या शास्त्री जो भी कुरपात्री जो भी कहना कर लीजिए, आज ताला क्यों लगा है? वो शाहरुख खान का फिल्म आया था बिकनिक को देखकर पूरे आरएसएस बजरंग दल और पूरा हिंदू सेना रोड पे आ गया था। और मिस्र में मोदी मोदी हुआ है, कैसे देखते हैं आप उसको? आप किस ख्वाब में जी रहे हो? कौन सा मोदी मोदी हुआ है? मोदी क्राइम का पोस्टर लग रहा है, वहाँ पर खड़ा होके व्हाइट हाउस के सामने लोग अपने डेमोक्रेसी पर लोकतंत्र पे सवाल खड़ा कर रहे हैं मोदी पर। मोदी जी हैं तो मुमकिन है देश की दुर्दशा, देश की बदहाली, देश की तवहीनी यानी मुमकिन है, क्योंकि आज मोदी जी जिस बात को लेकर चर्चा करते रहे हैं, संप्रदाय और धर्म को जिस तरह से बांटने की भाजपा आरएसएस का मंसूबा रहा है, जब जब राजनीति का ध्रुवीकरण करना होता है तब मोदी जी चले जाते हैं नमाज पढ़ने यानी वहाँ चल जा मजारों पर चादर चढ़ाने। पाकिस्तान ने कोई आपत्ति नहीं, अच्छी और खुशी की बात है, लेकिन मुँह में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए। जो राम नाम जपना पराया माल अपना हाथ में सुमरनी बगल में खतर नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है? पहल नहीं, पहल कर रहे, राजनीति आ रहा है 2024 इसके लिए पहल कर रहे। आदमी को समझ में आना चाहिए कि पहल पहले क्यों नहीं किए 9 साल तक। जब जब दिक्कत है कुछ भी नहीं, कांग्रेसियों को नहीं दिक्कत है, कांग्रेसियों को नहीं, भाजपा के दलालों जैसे मीडिया के जिस तरह से आप लोग लिफाफा साफ बन गए हो, नहीं सही बात है, जिस तरह से आप मस्जिद गए, हमको दर्द नहीं हो रहा, मस्जिद कहते हमको टोपी लगाने में, और जिस तरह से मस्जिद में रुक कर बिरयानी खा रहे हैं मोदी जी, पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, महाराष्ट्र में मॉब लंचिंग हो रहा है, तो यहाँ उत्तराखंड में हो रहा है, पलायन कर रहे हैं मुसलमान, उस पर ध्यान नहीं है। मणिपुर जल रहा है, ये देश जल रहा है, और जा रहे हो अच्छे दिन का बात करने। सेकुलर प्रधानमंत्री पच नहीं रहा है आपसे? नहीं, मैं सेकुलर प्रधानमंत्री है नहीं, प्रधानमंत्री अगर सेकुलर रहते तो उनका जय जयकार होता। वो धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, कहते हैं मैं राम को लाया हूँ, और राम को उन्हीं का कॉपीराइट है, राम को कुछ दिन कर्नाटका में हनुमान जी को भी लेके गए थे। मनोज मुंतशिर जो शुक्ला है, वो सारे जितने हैं भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि राम का जिस तरह से उसमें अपमान हुआ है पिक्चर में, राम कोई राम के चरित्र का अपमान, हनुमान के चरित्र कैसे सनातन चुप है। बालेश्वर बाबा एक कहता हिंदू राष्ट्र का कल्पना, वही बालेश्वर का जो बाबा बालेश्वर है लड़का धीरेन्द्र ब्रह्मचारी या शास्त्री जो भी कुरपात्री जो भी कहना कर लीजिए, आज ताला क्यों लगा है? वो शाहरुख खान का फिल्म आया था बिकनिक को देखकर पूरे आरएसएस बजरंग दल और पूरा हिंदू सेना रोड पे आ गया था। भाजपा का तुमगा बढ़ा हो गया था, पूरे देश में आगजनी चल रही थी। आज मैं देखा कि हिंदू का कल्पना करने वाले प्रभु श्री राम जो देश में
पूरे भाजपा का शुरुआत, भाजपा का शुरुआत राम के नाम से हुआ, जो उस पार्टी सुनो ना मोदी को भस्म कर, मैं भाजपा बाबा को भी भस्म से नहीं डर रहा हूँ और मोदी के भस्म से भी नहीं डर रहा हूँ। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को जिस तरह से पूरे कारपोरेट बनाकर जिस तरह से बेच रहे हैं बड़े पूंजीपतियों को, हमारे नेता राहुल गांधी जी 20,000 करोड़ का सवाल किए तो लंगोट गीला होगा, भाग्य पूरे पार्लियामेंट से दिए ने उनको, जिस तरह से आयोग ठहरा दिया गया, आज देश जिस तरह से गुलामी जाके अमेरिका में डंका का बात करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर उनका फेल कर जाता है, टेलीप्रॉम्प्टर जो होता है फेल हो जाता है। जायसवाल जी, हाँ, हमारे देश की फिल्म को नेपाल में बैन किया जा रहा है। देखिए नेपाल में चप्पल, देखिए वो कहे कि चप्पल में बाहर, जब फिल्म का स्क्रिप्ट लिख कर लिखने जाता था चप्पल हाँ। बाहर रख देता था, अब चप्पल उनको सुरक्षित रखना पड़ेगा, नहीं उन्हीं के चप्पल से लोग उठा कर उनको दबाज देंगे हाँ। दबाज, क्योंकि जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने वाले, धर्म जाति में बांटने वाले, ये धर्म जाति हम लोग तो एकता और अखंडता भाईचारे के रिश्ता को मजबूत करने ले अखंड भारत का कल्पना, धर्म जाति तो कांग्रेस ने किया, क्या कहां किया है? कौन सा बता दो, जाति मुझला के रखा है शुरू से, जाति में नहीं, वो तो जात को से देश को गुमराह कर रहा है। देखिए आज बोल रहे हो कांग्रेस का देन है, हिम्मत है भाजपा के कोई नेता से पूछने के लिए? 14 साल चौदह के बाद भारत को घुटने पाया था, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बदहाल, अमित शाह गए दुर्ग में, सुनो मत छत्तीसगढ़ में, उनसे 9 साल पर सवाल प्रश्न किया, मीडिया वाले कहे चुप रहो, 9 साल बदहाल, न विकास पैदा हुआ, न रोड पर दिखा, गोद में भी नहीं दिखा, कुछ भी। वो तो स्मृति ईरानी के सिलेंडर के पीछे पीछे भाग गया विकास, लेकिन दिखा नहीं, देखो कुछ भी नहीं। आप लोग जिस तरह से मोदी जी का गुणगान भजन करना छोड़ दो, गोदी मीडिया जिस तरह से, अमित शाह से मिलने गए थे छत्तीसगढ़? नहीं नहीं, मैं अमित शाह से नहीं मिलने गया था, वो मेरा सरकार वहाँ पे है, मेरे सरकार, मैं भागीदार वहाँ का, मैं प्रदेश का कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, मैं तो अपने प्रदेश में जाऊँगा ही, मेरा प्रदेश है, और जिस प्रदेश में देश जिस तरह से 2800 किलो, सुनो 2800 मजार में मस्जिद में सिर्फ राहुल गांधी जाए, नहीं नहीं मोदी जी जाए, बहुत स्वागत है। पेट में दर्द, अरे पेट में दर्द है कि जो 52 साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं किया आरएसएस कार्यालय में, मोहन भागवत पहुंच जाते हैं एक मौलाना के यहाँ, उसको वाई प्लस सुरक्षा दिलवाते हैं, बागेश्वर बाबा को जब भाजपा के लिए कुनबा पहुंचने लगते हैं उनको वाई प्लस सुरक्षा, अरे जब बागेश्वर बाबा दूसरे का किस्मत बदलते हैं तो उनको वाई प्लस सुरक्षा लेने की क्या जरूरत है। और उत्तराखंड में जिस तरह से मुसलमानों पर अटैक किया जा रहा है, उनको भगाने के लिए यानी पीछे पड़ा हुआ है, वहाँ चुप्पी साधे हैं, विदेश में जाकर मस्जिद में रुके हुए हैं, वहाँ कहते हैं मैं सौहार्द बनाने के लिए, हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, अरे आपके खून में कुल है, आपके घर में आप मुसलमान को भी अपना परिवार बोलते, पठान का बेटा हूँ, कभी बोल दोगे कि हम फौजी का बेटा हूँ, कभी स्कूल में जाओगे तो कहोगे शिक्षक का बेटा हूँ, प्रधानमंत्री परिधान के साथ साथ जात बदल, देश के प्रधानमंत्री, देखो परिधान के बाद बाद साथ साथ देश के प्रधानमंत्री और क्या बदलते हैं, अपना जुबान बदलते हैं, देश के जिस तरह से महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जी? अच्छा अरे यार मोदी जी आपके पॉकेट ज्यादा भर गया इसीलिए बैग लेके चल रहे हो, नोट भरे हो क्या? चौदह अब मोदी जी को, मोदी जी का बना लिया मैं, अरे यार मोदी जी का खत्म हो गया, मोदी मैजिक खत्म, आरएसएस बोली है, आरएसएस का कहना है मोदी मैजिक खत्म हो गया, 2024 में उनकी लंगोट बन जाएगी और कई आईलैंड में दिखेंगे, कौन सा गर्व कर रहे, देश की जनता कहाँ गर्व कर रही है, देश का जनता दर्द से, पीड़ा से, मोहब्बत के दुकान के साथ खड़ा हो गई है, कर्नाटका से विदाई शुरू हो गया, कल कहाँ ये बताइए, महंगाई आपको नहीं लगता आमदनी ने बड़ी लोगों ना, नहीं आमदनी कहाँ बढ़ा है, रोजगार नहीं मिला तो आमदनी कैसे बढ़ेगा बताओ ना, कितना लिफाफा लियो, थोड़ा सा आप लिफाफा ठंडा कर लीजिए, ज्यादा पैसा दे दिए मोदी जी बकर बकर करने के लिए, आप दिख नहीं रहा है कि नौकरी नहीं मिल रहा है, वैकेंसी निकला हुआ है, हमारे बीके न्यूज वाले कवर किए थे, 400 बच्चे आए थे रेलवे में 4 ग्रेड का एग्जाम देकर सारा चीज पास कर गए थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, तो ये देश का दुर्दशा पर आप नहीं पूछोगे, अडानी को सारा कंपनी दे दिया जाता है, रोड भेल सेल मेल और भेल, और सारा देश को जिस तरह से कुनबे को बेचा जा रहा है, क्या उनके चाचा जी बना के लाए थे, हम देश के प्रधानमंत्री होगा तो देश विकास के दौर पे, अच्छा आप भी प्राइवेट हो इसीलिए प्राइवेटेशन का बात कर रहे हो, आपका लिफाफा प्राइवेट तरीके से, आप लोगों को विकास कौन सा हुआ, विकास नहीं पसंद, मोदी जी का तो विकास हो ही रहा है, चाय बेचने से लेके प्रधानमंत्री का सफर ये विकास है ना है, मोदी जी का 200 रुपया कपड़े से 10 लाख का सूट ये विकास है,
विकास सिर्फ मोदी जी का अमित शाह का हुआ है। अमित शाह का बेटा बन जाता है बिना कुछ पढ़े लिखे क्रिकेट बोर्ड का सचिव, ये विकास है। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए बन जाता है, विकास है, परिवारवाद नहीं, विकास है। अमेरिका में भव्य स्वागत हुआ। अमेरिका में तो बराबर स्वागत होता है, इंडिया में तो स्वागत नहीं होता है। क्यों? इंडिया जल रहा है, भड़क इसलिए रहा है आप लोगों के, इसलिए कि देश की तरक्की देख के 70 साल, सुनिए 70 साल में कहे 55 लाख करोड़ हम कर्ज में हैं, अब 9 साल में 1,55,00,000 करोड़ कर्ज में हो गया। ये देश का दुर्दशा नहीं है तो क्या है? एक तरफ आरबीआई खाली कर दिए, देश को भी बेच दिए, प्राइवेटेशन भी कर दिए, उसके बाद बचा क्या? बदहाल। 9 सालों में विकास चाहिए, 70 सालों से जब ये लोग 70 साल में जहाँ बोलने का अधिकार, सुनिए चाहिए ना आरटीआई और गरीबों की के लिए जो मनरेगा का 2 साल में विकास चाहिए आपको। 70 साल में जो विकास हुआ था, देश को दीमक की तरह खाया है कांग्रेस ने। देखिए 70 साल में, सुनो आप बता रहा हूँ, 70 साल में जिस तरह से मोदी जी बीमार होते हैं, एम्स दौड़ के जाते हैं, IIT IIM जो खुला हुआ है, जो कहते हैं 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में चांद पे पहुँच गया, 70 साल में चांद पे पहुंच गया, और 70 साल में जो आर्मी खड़ी है, आप आर्मी को भी गुलाम 4 साल का नौकरी कर दिए। आप जिस तरह से देश को प्राइवेट कंपनी बना के बेच रहे हो, आपके बाप चाचा नहीं बना के लाए थे? आपके नाना का पूंजी नहीं है कि देश बेच रहे हो? देश का नवीनीकरण कर रहे हो, नाम बदल रहे हो, भ्रम फैला रहे हो, जुमला बेच रहे हो, हिंदू मुसलमान करा कर यहाँ राइट कराने की बात करते हो, धर्म को बेचने की बात करते हो, मंदिर मस्जिद कॉरिडोर की बात करते हो। मोदी जी आ रहे हैं, 24 दूर है, दिल्ली दूर है, अब मोदी जी को किसी राम मंदिर तो बन गया। अरे राम मंदिर बन गया, इसलिए राम को भूल के मस्जिद तरफ पहुंच गए ना, पलायन कर गए मोदी जी, पलायन कर गए। अब मोदी जी मौलानों के साथ टोपी पहनकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे। मुसलमानों से इतनी दुश्मनी क्यों आपको? नहीं, मुसलमान तो हम लोग बदनाम है कि कांग्रेसी मुसलमान के साथ है। अब लेकिन खुशी हो रहा है कि मोदी जी जिस तरह से राम का नाम है, राम को लेकर आया हूँ, अब अल्लाह को लेकर आने वाले हैं। अब विदेश से उतरेंगे, सिरे आइलैंड में जाएंगे, उनका झोला तैयार है 24 के लिए, झोला तैयार 24 के। अब जय श्री राम बोलना बंद कर दिए, हनुमान जी को पकड़े पहुंच, हनुमान जी राम जी पूछे लक्ष्मण से, गया लक्ष्मण बताओ इस चुनाव में हमें नहीं पूछा जा रहा है, क्या बात है? बोले भ्राता श्री अब हनुमान से काम चला रहे हैं मोदी जी। तो बोले हनुमान से काम तो लंका लगा देंगे, और लंका लगा दिए, कर्नाटका में लंका लग गया, हिमाचल में लंका लग गया, मध्य प्रदेश में बारी है, छत्तीसगढ़ हमारी है, और राजस्थान में चौका मारी है, और हरियाणा और तेलंगाना में, आज ही तेलंगाना के TRS से कई लोग कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, और कांग्रेस भरोसा नहीं है 100% मध्य प्रदेश में पिछले से 10 गुना यानी 1/3 बहुमत, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, 5 राज्यों में हम चुनाव 2/3 बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ईवीएम की सेटिंग हो गई? ईवीएम की नहीं सेटिंग हुई, जनता से सेटिंग हुई, जनता से लोकतंत्र में विश्वास जता लिया, मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है, नफरत वालों का दुकान पे बड़ा ताला लग गया है।